अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे आप सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जो ब्लैक लेबल होता है, मैं कुछ वीडियोस में आप लोगों को दिखा देता हूँ वो ब्लैक लेबल आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं लाइक कि कोई भी जो मेरी वीडियोज़ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो है, इसके पीछे ये जो लेबल है, ठीक है, और लाइक इसके पीछे भी लेबल है और कुछ डिफरेंट लेबल दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो लेबल है, तो ये लेबल हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल इजी मेथड है। काफ़ी लोगों को ये इशू आता है कि उसके पीछे जो है ना ब्लैक सरफेस एरिया होता है, तो वो कहते हैं कि वो हटता नहीं है। तो वो सारा सीन मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में समझाऊँगा। क्रोम ब्राउज़र में जाना है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने सर्च बार में सर्च करना है ब्लैक लेबल स्ट्रोक ब्रश PNG, कुछ ऐसा आप लोगों ने सर्च कर देना है। नहीं, ठीक है, कुछ ऐसा आप लोग जब सर्च करेंगे तो आप लोगों ने जाना है इमेज में। इमेज में जाने के बाद लाइक कि अगर ये हमें चाहिए ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर देते, ठीक है, यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर देते और इसको ऐसे क्लिक करना है और इस पर दोबारा क्लिक करना है, विज़िट पे जाना है, ठीक है। जब विज़िट पे हम लोग जाएंगे तो वो जो लेबल था ना, वो हम लोगों ने, एक मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लेबल था, इस पर क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक है, क्रॉस करेंगे यहाँ से ऊपर, ये ऐड है, तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे हम लोगों ने क्लिक किया तो ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड हो गया। ओपन इन करेंगे, ओपन इन डाउनलोड्स करेंगे। आप लोगों के पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एंड्रॉयड है तो उसमें डायरेक्टली डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। मेरे पास आईफोन है तो आईफोन में आई क्लाउड में या जो है ना आईफोन में, तो उन दोनों की जो क्रोम ब्राउज़र का फोल्डर होगा ना तो उसमें आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोनों। इन शॉर्ट में जाएंगे, इन शॉर्ट में जाने के बाद लाइक कि कोई भी एक पोस्ट उठाते, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तेज़ी बाफी की पोस्ट है। स्टिकर्स में जाएंगे, स्टिकर पे क्लिक करेंगे। स्टिकर में जाने के बाद ये आप लोगों को साइड पे गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने चूज़ फ्रॉम कैमरा रोल नहीं करना। यहाँ से आप चूज़ फ्रॉम कैमरा रोल करेंगे तो वो जो पहले स्टार्ट में मैंने सेव किया ना, देखो उसके पीछे ब्लैक सरफेस एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ये अभी देखें, दूसरा मैंने जो सेव किया है ना, वो यहाँ से फाइल में जाके ये क्रोम ब्राउज़र और ये रहा, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, वही है ना, सेम वही है। तो ऐसे होता है। एक तो और मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ और साथ में ये भी बताता हूँ कि उसको इंपोर्ट कैसे करना है, इन शॉर्ट में कैसे इंपोर्ट करना है। तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यहाँ पे हम लोगों के पास बहुत सारे आ जाते हैं। जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ वो ये है, ठीक है, वो ये मैं यूज़ करता हूँ, ये अक्सर मेरी सारी वीडियोस पे ये इफ़ेक्ट जो है ना ये होता है। यहाँ से इसको भी ऐसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ पे गया डाउनलोड, ये रहा डाउनलोड, तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ओपन इन करेंगे, ओपन इन डाउनलोड में करेंगे तो ये हमारे पास टॉप पे आ गया, ठीक है, यही था ना। तो अभी आपको एक और डाउनलोड करके दिखाता हूँ कहीं और से, ये रहे, ठीक है, ये वही सिंपल जो स्ट्रोक बॉर्डर है वो है। अगर आप लोगों को कोई और कलर करना हो ना, तो आप लोग यहाँ से जो है ना ब्लैक की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल येलो लिख सकते, तो येलो भी आप लोगों के सामने आएगा। अगर आप लोग वाइट लिखते, वाइट भी आप लोगों के सामने आएगा, लेकिन सारा जो प्रोसेस है ना वो उसी तरह ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाइट हो गया, इस पर से क्लिक करेंगे और विज़िट पे क्लिक करेंगे। हम लोग विज़िट में जाएंगे तो यहाँ पे ये रहे वो, इसमें से जो भी आप लोगों को पसंद आए, अगर वही सेम जो था ना वो पसंद आप लोगों को आए,
तो उस पे से फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से इस पे क्लिक करते हैं। इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। ये रहा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो चुका है हमारा। ओपन इन करेंगे, ओपन इन डाउनलोड्स में करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। वापस अभी जाते हैं इन शॉर्ट में। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट रखना हुआ तो आप लोगों ने सिंपल ऐसे करना है कि एक मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे, फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और ये रहा वाइट, ये हमारे पास वाइट आ गया, आप लोगों को नज़र आ रहा है। और अगर हम लोगों ने वो दूसरा जो अभी डाउनलोड किया उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वो दूसरा आ गया, आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो सारा जो प्रोसेस था वो यही था। और इसी तरह आप अपनी वीडियोस में ब्लैक लेबल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, इसको ब्लैक ब्रश भी कह सकते हैं, लेकिन पोइट्री के लिए यूज़ होता है। तो आप लोगों की मर्ज़ी, जो भी कहना चाहे। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक बआसानी पहुँच जाया करें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।